हेलो वेलकम बैक टू रूलिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो ये है फिलिप्स कंपनी की तरफ से आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिमर जो कि कम प्राइसिंग में होने के बावजूद काफ़ी तगड़े फीचर के साथ में आता है। तो मैंने इसको यार फ्लिपकार्ट से बाय किया था, ये हमको रिसीव हो चुका है। कुछ इस तरह की इसकी बॉक्स पैकेजिंग है। तो यार आज हम इसकी अनबॉक्स करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या अपने प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है कि नहीं। तो ये रहा हमारा नाइफ और इसका टेप, मैं यहाँ से इसका ब्रेक करता हूँ, इसको बाहर निकालते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, देख सकते हैं ऊपर में ही फिलिप्स मेंशनड है। और यार जस्ट नीचे इसको हमको जो फिलिप्स का ट्रिमर है उसकी भी एक्सेसरी में देखने को मिलती है। और यहाँ पे लिखा है यार क्लीन लुक विथ ऑप्टिमाइज स्किन प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। और जस्ट नीचे कुछ की हाईलाइटेड पॉइंट, जैसे कि इसमें हमको स्किन प्रोटेक्शन कॉम दिया गया है, यूएसबी चार्जिंग के थ्रू उसको चार्ज कर पाएंगे, अप टू 3 वीक का रन टाइम देखने को मिलता है। बॉक्स और कुछ कुछ फ्रूटो की तरह लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट यार राइट साइड में बात किए तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, जैसे कि इसका मॉडल नंबर क्या है, प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है, और यहाँ पे यार इवन प्राइसिंग भी है। बट यार ये एक्चुअल प्राइसिंग नहीं है, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसमें हमको 2 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाता है, वो भी ऑल ओवर इंडिया में इसकी वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। और पीछे भी बहुत सारे यार यहाँ पे फीचर दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से सील्ड है। और बॉक्स में तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, जो है यही है। तो फटाफट से इसको हम अनबॉक्स करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसकी चीज़ें आपको कैसी होने वाली है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो फटाफट से इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, और ब्रेक करते ही यहाँ पे हमको सभी चीज़ें मिल जाती है। तो एक एक करके हम यहाँ बाहर निकालेंगे। मेरे हिसाब से इसमें ट्रिमर होगा, और यहाँ पर यार 2 छोटे छोटे पाउच देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर भी एक पाउच है जिसमें हमारा मेन ट्रिमर है, और यहाँ पर यार सभी व्हाइट कलर के कागज़ में सभी कुछ दिया गया है। यहाँ पर एक हमको डॉक्यूमेंटेशन देखने को भी मिलता है। और इस केबल की बात किया जाए तो इसमें हमको पता नहीं क्या मिलने वाला है, प्रॉपर इसको बाहर निकालते हैं। सॉरी, इस पाउच में हमको यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, जो कि माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी है। इसको आप किसी भी अडेप्टर में लगा के इसको इजीली चार्ज कर पाएंगे, और इसको चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे का टाइम लगता है। और बाकी इस चीज़ में तो कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पैकेट की तरफ, इसमें हमको देखते हैं क्या चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 3 क्लिप देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक 5 mm का है, एक 3 mm का और एक 2 mm का यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको यार आप अपने दाढ़ी उड़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाएंगे और आप अच्छे से सेविंग कर पाएंगे। और यार जो सबसे बड़ा वाला है, ये भी काफ़ी काम आने वाला है अगर आपको ज़्यादा दाढ़ी रखना है तो। और यहाँ पर ये ब्रश आता है जिसके थ्रू आप इसका ब्लेड को साफ कर पाएंगे ओपन करके। और यहाँ पर यार एक यूजर मैनुअल है, जिसकी तो यार ज़रूरत तो नहीं है, बट हम फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। काफ़ी यार लंबा चौड़ा यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अगर यार आप इसको फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो ज़रूर यूज़ करिएगा। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड देखने मिल जाती है, जिसको आपको भर के रख लेना है, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आता है तो आप उसको क्लेम कर पाएँ कि हाँ आपने इस डेट से लिया था और इस डेट तक आपकी वारंटी क्लेम होगी। यहाँ पर बहुत सारे इसको कैसे चार्ज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी सभी चीज़ें मैंसन है। फिलहाल इन सभी को रखते हैं साइड में। अब आते हैं अपने मेन ट्रिमर पे, जो कि ये हमारा मेन ट्रिमर है। इसको यार मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये भी ओपन ही है, ओपन मतलब ये था कि तीनों का ही ओपन था, बट इसमें रखा गया था। तो कुछ इस तरह का हमारा ट्रिमर है, जो कि यार देखने में लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो अब देख सकते हैं यार कुछ इस तरह का ये ट्रिमर है। यहाँ पे भी मेंशनड है, फिलिप्स लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, और जस्ट नीचे इसके ब्लेड दिया गया है। इसको आप इजीली ऐसे हल्का सा प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये मोटर है, जब भी इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसमें फंसता है, उसको ये रोटेट करता है, या जो कम्बाइन होता है उसी के बेसिस पे काम करता है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इन सभी को अभी हम चेक करने वाले हैं, और मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो देखिए मोटर यहाँ पर रन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हैवी मोटर दिया जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी लोड पड़ता है जब आपने दाढ़ी को बनाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लॉक करता हूँ, एंड इस लॉक हो चुका। आप देखिए मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, काफ़ी तेज़ी के साथ में नॉइस कर रहा है, बट काफ़ी स्मूथली ये रन कर रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं, और आपको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट है, और भी काफ़ी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो केबल है, आप इसके थ्रू इसको ईजिली चार्ज कर पाएंगे किसी भी अडेप्टर में लगा के। मैं रिकमेंड करूँगा तो 20 वाट से ज़्यादा अडेप्टर आप इसमें ना लगाएं, क्योंकि उससे बैटरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आजकल का जो फ़ोन होता है बहुत ज़्यादा आता है। कुछ इस तरह से इसको चार्ज करना, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा चार्जर है, मैं जो ऊपर चार्जर लगा उससे नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि वो 67 वाट का चार्जर है, इससे इसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो मैंने ये 10 वाट का चार्जर लिया है, और आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको यहाँ पे पावर ऑन करते हैं और इसमें इसको पोर्ट को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल जाती है, मतलब चार्जिंग पे लग चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको उसको चार्ज करना होगा। इसको चार्ज करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम देना होगा, बट यार इसकी वायर इतनी छोटी है कि इसको रखने में दिक्कत होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको कैसे रखना है, ताकि ये गिरे ना। तो यार कुछ इस तरह से काम करता है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली रन करता है। तो यार मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रिमर है, आप इसको बाय कर सकते हैं।
और यार इस ट्रिमर का प्राइस 650 फ्लिपकार्ट पे रहता है, बट अगर आप इसको ड्यूरिंग द सेल लेते हैं तो ये आपको 500 में भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा टेस्टिंग करने वाले हैं इसके स्मूथनेस की। तो ये मेरा हैंड है, यहाँ पे जो बाल आप देख सकते हैं, मैंने एक बार इसको चलाया और देख सकते हैं यहाँ के सारे बाल गायब हो चुके हैं। तो इससे आप आईडी लगा सकते हैं कितना स्मूथली है और आपकी ये दाढ़ी बनाने में कितनी हेल्प करने वाली है। तो हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।